हेलो गाइस, नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर एस संगीता श्रीवास्तव में। दोस्तों, आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ मनगढ़ धाम घुमाने। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग रास्ते में हैं और ये रास्ते के सीन्स आप देख रहे हैं। तो गाइस, ये आ चुके हैं मनगढ़ धाम के गेट पर। ये देखिए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और अब अंदर चलते हैं। ये अंदर के सीन है दोस्तों, जैसे गेट से एंट्री करेंगे तो ये सीन्स आएंगे। उसके बाद दोस्तों, मंदिर पहुंचने से पहले यह कृष्ण जी का एक बहुत ही विशाल काय रथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने सफर पे आते हैं। दोस्तों, मंदिर के पास हम लोग लगभग पहुँच ही गए हैं। ये बहुत ही बड़ा बोर्ड लगा हुआ है महाराज जी का, जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था भी है। और ये है दोस्तों वह अलौकिक अद्भुत विशाल काय मंदिर। ये यहाँ पर एक बगीचा है जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही मन को लुभाने वाला है। ये देखिए, मंदिर के जस्ट एकदम बगल में ये बगीचा। और देखिए दोस्तों, भीड़ भी कितनी है। दोस्तों, यह बोर्ड लगा हुआ जिसमें यह पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जूता स्टैंड की व्यवस्था भी उपलब्ध होती है, जिसमें यात्री अपने जूतों को रखते हैं, क्योंकि मंदिर परिसर को स्वच्छ बनाना हमारा ही काम है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। ये गेट आ गया है। और दोस्तों, अब देखिए, यह बहुत ही सुंदर और अलौकिक बगीचा जहाँ पर ये मूर्तियाँ कृष्ण जी की रखी हुई हैं। जैसे लगता है कि असली में भगवान यहीं पे बैठे हों, यहीं पे विराजित हो। और दोस्तों, ये मंदिर है जो कि आप अभी वीडियो में शुरुआत में देख रहे थे। अभी हम इसके अंदर के सीन्स भी हम लोग रिकॉर्ड करें हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, ये है यहाँ का भक्ते मंदिर। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे हुए चलते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर दोस्तों, रिकॉर्डिंग करना मना है, मगर फिर भी हम लोगों ने किसी तरह से सीन्स इकट्ठा करे हैं। तो चलिए दोस्तों, भक्ति मंदिर में चलते हैं। दोस्तों, लगता तो ऐसा है कि जैसे हम लोग मथुरा वृंदावन घूम रहे हों इस समय। दोस्तों, ये मंदिर के अंदर के सीन्स हैं, ऐसा दिखता है कुछ अंदर का हिस्सा दोस्तों। और गाइस, मयूर भी हमारे साथ हैं। ये देखिए, ये है दोस्तों अंदर के हिस्से, देख सकते हैं आप अंदर का प्रांगण कैसा दिखता है। और ये बहुत ही सुंदर झूमर भी ऊपर टंगा हुआ था। और ये सामने जो भगवान की मूर्ति आपने देखी, यही यहाँ के बांके बिहारी की मूर्ति है। और अब हम लोग चलते हैं ऊपर मंजिल पर, वहाँ पे देखते हैं किस तरह क्या बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, और ये पूरी कृष्ण लीला जो हुई है ब्रज में, उसके यहाँ पर यह उदाहरण दिए गए हैं। ये देखिए, माँ यशोदा कृष्ण जी हैं, ये सभी गोकुल की महिलाएं माँ यशोदा कृष्ण जी को डांट रही हैं। अब दोस्तों, हम लोग बाहर आ चुके हैं और यह कीर्ति मंदिर है जिसके बाहर का सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर माना ऐसा जाता है कि 10,000 श्रद्धालु एक साथ बैठकर साधना कर सकते हैं। अभी फिलहाल कार्य प्रगति पर, इस वजह से अंदर जाने को मना है। दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर एक झांकी दर्शन दिखाया गया है, जिसमें यह नाग के मुंह से लाल रंग का पदार्थ निकल रहा और ये हिल रहे हैं दोस्तों। खास बात तो ये है। और ये देखिए, गोपियाँ नृत्य कर रही हैं, कृष्ण जी भी रासलीला है। और दोस्तों, अब ये हम लोग आ गए हैं दूसरे मंदिर में। वो तो भक्ति मंदिर था, अब ये प्रेम मंदिर में हम लोग आ गए हैं। चलिए दोस्तों, अब अंदर चलते हैं, प्रेम मंदिर में दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये कुछ चीज मैं रिकॉर्ड करके लाया हूँ, जैसे कि ये झूमर वगैरह देखिए कितना सुंदर है। पूरा मतलब व्हाइट, जैसे सफेद चादर फैलाई है पत्थरों की। दोस्तों, ये देखिए, रात होने वाली है और यहाँ पर लाइटिंग शुरू हो रही है। ये देखिए दोस्तों, कैसा लग रहा है मनगढ़ रात में। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।